हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ सरकार को 2 साल पूरे हो रहे हैं। 2 साल कैसा रहा छत्तीसगढ़ में सफर कांग्रेस की सरकार का, यही जानने और समझने के लिए हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। जब आप अध्यक्ष से मुख्यमंत्री पद आपने संभाला तो कितनी बड़ी चुनौती रही ये 2 साल और कैसा सफर रहा? देखिए, हम पिछले 5 साल में जब विपक्ष में थे तब हमने योजना बना ली थी, हम सत्ता में आएंगे तो क्या क्या काम करना है, और हमने जनता से वादा भी किया था, और जितने बड़े वादे हैं सब हमने पूरा कर दिया, चाहे वो ऋण माफी का हो, चाहे 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी का हो, चाहे लोहांडी गुड़क जमीन वापसी का हो, चाहे लघु उपज पर खरीदी की व्यवस्था की बात हो, चाहे 4,000 प्रति मानक गोरख दर से तेंदुपत्ता देने की बात हो, चाहे बिजली बिल हाफ करने की बात हो, वो सारी बातें हमने की है। और एक वादा और भी किया था, नरवा गरवा घुरवा बारी, तो उस दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है, गौठान का भी काम तेजी से हो रहा है, तो सभी दिशा में हम लोगों ने काम किया है। और भारत सरकार के जितने भी एजेंसियां यहाँ काम कर रही है, आप देखेंगे स्वच्छता में भी हम टॉप कर रहे हैं, शहर प्रदेश की स्वच्छता में भी टॉप किए हैं, GST में भी हम टॉप कर रहे हैं, और जो आकांक्षी जिले हैं उसमें भी हम टॉप कर रहे हैं, कुपोषण में भी हमारे अच्छे परफॉर्मेंस है। तो ये बता रहा है कि हम लोगों ने 2 साल में जिस ध्येय को लेकर चले थे उसमें हमको काफ़ी सफलता मिली है। भूपेश जी, आपको याद होगा जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो पहला इंटरव्यू आपने मुझे दिया था और गाड़ी में हम लोगों की बातचीत हो रही थी, तो मैंने आपसे कहा था कि बड़े आक्रामक नेता की छवि है आपकी, उस छवि से आप कैसे बाहर आए? क्योंकि विपक्ष में हमने आपको देखा था विधानसभा में लड़ाई लड़ते हुए, बहुत ही आक्रामक अंदाज में आप सरकार को घेरते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने कैसे ये बदलाव किया, क्योंकि प्रशासन को, संगठन को, सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। ऊर्जा की दिशा भर बदलने की आवश्यकता थी और हमने बदला। देखिए, जो मनरेगा में पूरे 15 साल में भाजपा ने जितने मनरेगा में काम नहीं कराया था हमने इस करा दिया। इस कोरोना काल में भी आप देखेंगे कि सबसे पहले 3 महीने के मुफ्त अनाज देने की बात हमने कही थी और पूरा वितरित भी कर दिया, सारे राशन कार्ड हमने आधार से लिंक कर दिया। तो ये बताता है कि हम लोगों ने प्रशासनिक स्तर पे जो काम है वो युद्ध स्तर पे हम कर रहे हैं। लघु उपज खरीदी, जहाँ पूरे देश में कोई खरीदी नहीं हो रही थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, ऐसे समय में सर्वाधिक 74% लघु उपज खरीदी हमारे छत्तीसगढ़ से किया गया। तो ये बताता है कि हम अपनी ऊर्जा है वो लोगों के सुविधा में, सुविधा देने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए पूरा हमने लगाया। अभी जैसे कोरोना में सबसे ज़्यादा क्वारंटाइन की व्यवस्था छत्तीसगढ़ की सबसे अच्छी रही है, 22,000 हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया, 7 लाख लोगों को वहाँ रखा, भोजन पानी की व्यवस्था की, दवाई की भी व्यवस्था की, रोजगार की भी व्यवस्था की। तो ये एक अभियान की तरफ ले रहे हैं, तो ये जो ऊर्जा है उस दिशा में बदला और उसका फायदा छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल रहा है। दूसरी अहम बात, आपने केंद्र का जिक्र किया, केंद्र सरकार, और चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, आप लगातार पत्र लिखते रहे हैं प्रधानमंत्री को कि किसानों का मसला हो, धान का मसला हो, या तो फिर GST का मसला हो, लगातार आप पत्र लिखकर उनसे कहते रहे कि आप हमारी मदद कीजिए। बीच में आपके करीबी अफसरों के यहाँ छापा मारना और फिर इस तरह का दबाव, आपको परेशानी नहीं हुई या तो फिर परेशान किया गया बीच में, आपकी सरकार स्मूथ ना चले, आपको क्या लगता है केंद्र की ये साजिश रही? देखिए, जहाँ तक के सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग तो पूरे देश में हो रहा है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, चाहे वो किसी भी राज्य में, साउथ के राज्यों के कहिए, चाहे वो महाराष्ट्र कहिए, छत्तीसगढ़ कहिए, और दूसरे राज्य जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ तो लोग तंग कर रहे हैं। तो ये केंद्रीय एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवालिया निशान तो उठता ही है, तो उनको निष्पक्ष होना चाहिए, दबाव में काम नहीं करना चाहिए। जहाँ तक के छत्तीसगढ़ की आवश्यकता है, उसके हिसाब से हमने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की है और उन्हें पत्र भी लिखा है, जो और उसमें देख लीजिए, GST में पहले उन्होंने कहा था आप ही कर्ज ले लो, लेकिन बीच का रास्ता निकाले, यदि पत्र नहीं लिखते तो निकलता क्या? जैसे इथेनॉल के लिए हम लगातार लिखते रहे, लेकिन अब वो जाके FCI से चावल लेने की बात करें, लेकिन हालांकि वो भी अव्यवहारिक है, उस मामले में हमने पत्र लिखा, मुलाकात भी की कि इथेनॉल पेडी से बनना चाहिए, जो सरप्लस हमारे पास पेडी बनता है, तो ये पहल भी हमारी थी और उसके हिसाब से सरकार ने उसका रेट तय किया। पहली बार ये है कि 54.89 रुपया रेट तय किया है इथेनॉल का, ये पहली बार हुआ, तो हमारे पत्र के ही आधार पर तो ना, देश के लिए बेहतरी के लिए हमने पत्र लिखा है, अपने राज्य की बेहतरी के लिए पत्र लिखा है।
अच्छा, दूसरा, आप प्रदेश अध्यक्ष से मुख्यमंत्री बने और 2 साल आप सरकार चला रहे हैं। संगठन, जब आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बतौर मुख्यमंत्री संगठन के साथ तालमेल और फिर नाराजगी, लोगों की शिकायत, फिर आप एक गार्जियन के रूप में लोगों के बीच में उपलब्ध रहते हैं। अब जैसे निगम मंडल की नियुक्ति हो, जो नियुक्ति 2 साल पहले हो जानी थी वो नहीं हुई, कुछ कार्यकर्ता नाराज, तो इस तरह की बातचीत आपके सामने आती है, उसको कैसे सुलझाते हैं? देखिए, निगम मंडल की नियुक्ति पहले हो चुका है, बचत है, उसको करना है, तो सबसे समन्वय करके, बातचीत करके, हालांकि मुख्यमंत्री की विशेष अधिकार होता है किसी की नियुक्ति करना, लेकिन ये जब सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं तो सबसे राय शुमारी करके ही उसको करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, और उस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उससे लोगों में असंतोष कम होता है। एक अंतिम सवाल भूपेश जी, क्योंकि 2 साल के साथ साथ एक और सवाल जन्म रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक हालिया दिनों में एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अवधि कितने दिन रहेगी या कितना किसका कार्यकाल रहेगा ये तो वक्त बताएगा, और 15 साल भी रहे हैं मुख्यमंत्री और 2 दिन भी रहे हैं। ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसे सवाल उठने चाहिए? देखिए, जहाँ तक के मुख्यमंत्री पद है, मैं आपसे एबीपी से भी बात कर रहा हूँ, और हाई कमान अभी मुझे निर्देश दे दे कि आपको इस्तीफा देना है, तो मैं जाकर तुरंत राज्यपाल की इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पद किसी का भी हो स्थायी नहीं होता। ये तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में बनते पद में आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, और पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, तो जैसे पार्टी का निर्देश होगा वैसे काम करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्पष्ट तौर पर यह कह रहे हैं कि 2 साल जो है वो चुनौतियों भरा रहा, लेकिन इन 2 सालों में जिस तरह से उन्होंने काम किया और प्रदेश की जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया, वो प्रदेश की जनता देख रही है, और उसी का नतीजा है कि जो चुनाव हो रहे हैं उपचुनाव, उसमें कांग्रेस को समर्थन कर रही है जनता। जहां तक सवाल मुख्यमंत्री पद को लेकर है तो सब आला कमान पर निर्भर करता है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज रायपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।